Well, so the next topic is magnetic field due to a long solenoid. Long solenoid means what? Whose length is greater than its radius. मतलब radius से length थोड़ा ज़्यादा लंबा. That is called a long solenoid. ठीक है? मतलब L is much much greater than R. So हम लोग much much greater बोलते हैं, but you just take it to be a little greater. At which point? At the center. अब first question. Solenoid क्या है? मालूम है सब लोगों को? हम लोग एक सिलेंडर के ऊपर वायर्स कॉइल कर देते हैं और उसका दो एंड से करंट पास करवाते हैं, तो इट एक्ट्स लाइक अ बीएक्स लाइक अ मैग्नेट, राइट? सो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम स्पेसिफिक नेम है सॉलिडॉइड. नाउ थोड़ा ध्यान से सुनना. मान लो हम लोग के पास एक सॉलिडॉइड है, ठीक है? ये एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर के ऊपर से वायर्स पास किया हुआ है. सो से ये नॉर्थ पोल होगा. क्यों क्यों बोल सकते हो? सो व्हेन यू लुक फ्रॉम दिस साइड क्या हो रहा है? करंट ऐसे जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. फ्रॉम दिस साइड इफ यू लुक, ये वाला एक्सिल देखेंगे तो देखो करंट कैसे जा रहा है. यहां से आके ऐसे घूम के आ रहा है अंदर से. सो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम दिस एंड. फ्रॉम दिस एंड एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल है. अगर ये एंड से देखेंगे तो वही चीज क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो साउथ पोल है. मतलब डू यू नो दैट एक मैग्नेट के लिए, समझ में नहीं आया, डू यू नो दैट एक मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाता है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाता है. तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक लाइंस और पोल्स जाएगा, दे विल बी नियरली पैरेलल टू ईच अदर एंड विल बी ट्रैवलिंग अलोंग दिस डायरेक्शन. ऑल ऑफ यू अग्री विद दिस? अब थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूं ये ड्रॉ मत करो, थोड़ा ध्यान से सुनो. एवरीवन लुक एट द बोर्ड, एवरीवन लुक एट द बोर्ड, थोड़ा ध्यान से सुनना जो हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना. इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कर रहे हैं. व्हाट डज दैट मीन? यू नो व्हाट इज मीन बाय लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन? अलोंग द लेंथ हम लोग सेंटर से उसको काट रहे हैं. जैसे देखो ये एक सिलेंडर है, दिस पेन इज आल्सो अ सिलेंडर. तो अगर हम इसके बीच में से एकदम सीधा काट देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, राइट? सो दैट वुड लुक समवॉट लाइक दिस. राइट? सो व्हेन वी कट दिस, ये सारा पॉइंट में जो करंट कैरिंग वायर है, दीज आर बेसिकली कैरिंग द करंट इनटू द प्लेन. एंड ये सारा पॉइंट्स में जो वायर्स है, दैट विल बी कैरिंग द करंट आउट ऑफ द प्लेन. डू यू एग्री विद दिस सर? हां, कट किए तो वायर कट नहीं होगा. ऑफ कोर्स, ये तो हम लोग वर्चुअली कट कर रहे हैं समझने के लिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट्स क्या है और इसका सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है. ऑब्वियसली डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन. ठीक है, वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ विजुअलाइजेशन. हम लोग फिजिकली उसको काट नहीं रहे हैं, क्योंकि काट देंगे तो सारा करंट कैरिंग वायर में करंट्स जीरो हो जाएगा ना, सारा करंट डिस्कनेक्टेड हो जाएगा. सो वी आर जस्ट विजुअलाइजिंग इट कि उसके अंदर क्या हो रहा है. सो व्हेन वी कट इट थ्रू, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होगा और ये सरफेस में करंट, ये जो यहाँ पर पॉइंट्स होंगे, सारा पॉइंट्स में करंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन होगा और यहाँ पर सारा पॉइंट में करंट गोइंग इनटू द प्लेन होगा. ये अग्री है सब लोग? अब देखो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं कि नॉर्थ से वो
निकलता है और साउथ में वो कन्वर्ज करता है, राइट। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शुड गो लाइक दिस। हाँ या ना बताओ, कैन ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। अब एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए पहला बार काम हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एम्पेरियन लूप को ड्रॉ करना पड़ता है। मुझे एक चीज बताओ, एम्पेरियन लूप जो है उसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे ताकि वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सिमेट्रिकल रहे। जैसे गॉसियन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सिमेट्रिकल होता था, वैसे एम्पियर्स लॉ में एम्पेरियन लूप भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक लूप कंसिडर कर रहे हैं नियर द सेंटर, सेंटर के पास, और इसको नाम दे देते हैं मान लो PQRS, PQRS, ठीक है। ये एम्पियर्स लूप कंसिडर कर रहे हैं विच इज गेटिंग इनसाइड इन ओनली दीज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर जितना सॉरी नॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट कैरिंग वायर्स, जितना करंट कैरिंग वायर्स इसके अंदर करंट कैरी कर रहे हैं। अब यहां पर हम लोग एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले कुछ डेटा लिखना है। जल्दी से सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाओ, ऊपर वाला नहीं बना से, बनाने से भी चलेगा, उसके बाद आई विल टेल यू क्विकली। ओके, नाउ राइट दिस डाउन। अ सॉलेनॉइड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, number of turns per unit length equal to small n, number of turns per unit length small n, and carrying current equal to I is taken, carrying current equal to I is taken. A solenoid having number of turns per unit length equal to n and carrying a current I is taken. ठीक है? वैसे? Now, listen it very carefully. We are trying to find out the magnitude near the center of the solenoid. ठीक है? So write an Amperean loop. Amperian loop PQRS of length L and breadth B. Breadth B is chosen. An Amperian loop PQRS of length L and breadth B is chosen. Clear? Where so now we need to apply the Amperes law over the whole loop, but before that you need to identify how much current is included by this loop. तो कैसे निकालेंगे, हाउ मच करंट इज इंक्लूडेड बाय दिस लूप। देखो ये जो रेक्टेंगल लिया है इसका लेंथ एल लिया है हम लोगों ने और ब्रेथ कितना लिया है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, सी से क्यू तक लेंथ एल है ना, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स एन है कितना पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है एल पर यूनिट लेंथ, तो ये एल लेंथ के लिए कितना नंबर ऑफ टर्न्स आएगा इसके अंदर, एल इंटू एन, कैन ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। So therefore, number of turns included by the Amperian loop, is equal to n into L, where n is the number of turns and L is the length. Therefore, current included kitna hoga? I included will be एक टर्न कितना करंट कैरी कर रहा है, I, so NL टर्न कितना करंट कैरी करेगा,
the current current will be NL into I. Clear? अब हम लोग बोल रहे हैं now applying Ampere's circuital law. ये जो Ampere's law हम लोग बोलते हैं ना, इस Ampere's law का पूरा नाम है Ampere's circuital law, because it is applied over a circuit. ठीक है, so Ampere's circuital law, close integration of V dot VL should be equal to mu naught into I included. ये हम लोग लिखे हैं. अब थोड़ा ध्यान से देखो, we are splitting this up, और ये split बहुत important है, थोड़ा ध्यान से सुनना. कहाँ पर split कर रहे हैं, ये पूरा loop के ऊपर. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, we are saying this should be equal to P to Q. हमने P Q R S कुछ तो magnetic field रूट दिया है, सही तो ठीक है, स्पष्ट हो जाएगी. P Q R S, if we are going P to Q, P to Q V dot dl plus Q to R V dot dl plus R to S V dot dl plus S to V V dot dl is equal to mu naught into I included is NLI. See, I included we have found out NLI. So what are there? Okay? Now I have some questions. Don't write. Sit. Thoda dhyan se suno. First, P से Q तक V dot dl कर रहे हैं हम लोग. P से Q तक जब जा रहे हैं, तब जिधर magnetic field जा रहे हैं, हम लोग उसका opposite direction में जा रहे हैं. So यहाँ पर क्या हो रहा है? B और dl दोनों opposite direction में. So the angle between them is how much? 180. The angle between them will be 180 degree because they are directed opposite. So cos 180 is? Right? So it will be for अच्छा पहले अलग-अलग से लिख लेते हैं, उसके बाद values put करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर लिखते हैं अलग-अलग से. P to Q V dot dl. You can continue after this. यहाँ पर मैंने सिर्फ जगह छोड़ा है, put the value. मेरे पास copy नहीं है. So I'm just write. You can write these things below this. इसके नीचे लिख सकते हो. इसके बाद यहाँ पर values put करना, ठीक है? So V dot dl will be equal to how much? V into L into cos 180. So that is minus V into L. You understand why? बुझाया सेटा है ना तो बोल गया मैं, इज दैट क्लियर? अच्छा, नाउ नेक्स्ट यू आर कमिंग फ्रॉम क्यू टू आर. क्यू टू आर के लिए क्या होगा? फॉर क्यू टू आर बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू बी इनटू एल इनटू, यू अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज़ क्यू टू आर बी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उससे ये परपेंडिकुलर है. बी से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उससे ये परपेंडिकुलर है ना, राइट? हाँ या ना बताओ. सो ये क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री इज, कॉस 90 डिग्री इज जीरो. नहीं कंफर्म सी बात एस आर टू एस बी डॉट डीएल. अब यहां पर एक चीज बता रहे हैं, लुक एट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, सॉलिनॉइड से जब बाहर पास करता है ना, तब ये बहुत दूर पास करते हैं, और जब ये बहुत दूर से पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, नियरली हां. सो जस्ट आउटसाइड द सॉलिनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जीरो होता है. सो दिस विल बी जीरो. व्हाई? सिंस जस्ट आउटसाइड द सॉलिनॉइड B is equal to 0. Just outside the solenoid, B का value क्या होता है? 0 होता है. कौन सा? देखो ये diagram मैंने तो मिटा दिया ऊपर वाला portion ना. अगर हम नीचे भी देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर भी एक loop बना लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? देखो ये जो same थोड़ी है. हाँ same है. हाँ यहाँ पर भी देखो, जब हम लोग कर रहे हैं
ये बाहर वाला वायर के लिए, मतलब सॉरी बाहर वाला लेंथ ऑफ द लूप के लिए जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं गुजरता है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर स्प्रेड आउट कर जाते हैं, बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट कर जाता है, इसलिए जस्ट आउटसाइड हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू नहीं मिलता है। इसलिए बी को जीरो कर देते हैं, बी जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो। एंड द लास्ट वन इज क्या, एस टू पी। तो एस टू पी के लिए क्या होगा बताओ, एस टू पी के लिए बी डॉट डीएल मिलती, बोलो एक बार, एस टू पी के लिए बी डॉट डीएल मिलती बी इंटू एल इंटू, अच्छा एक छोटे बोलो ऐसे क्या, बी इंटू बी हो गए ब्रेथ हो गया, करंट के लिए भी यूज करना पड़ेगा। अगर करंट आउटसाइड इज टेकन एज पॉजिटिव देन करंट इनसाइड शुड बी टेकन एज नेगेटिव। ये क्यों लेना पड़ रहा है, बिकॉज वी हैव चोजन PQ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर तुम PQ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में चूज करोगे तो ये नेगेटिव साइन का झमेला नहीं रहेगा। सो यहां पर हम लोग जो NNI लिख रहे हैं ना, यहां पर हम लोग एक छोटा सा नेगेटिव साइन के बाद में स्टेप में ले रहे हैं। तो देखो यहां पर क्या पुट करेंगे, बी डॉट डी एल का वैल्यू क्या आया था, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो आया ना, इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन एल आई। सो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, सिंस आई इज इनसाइड द प्लेट, आई इज गोइंग इनसाइड द प्लेट, inside the plane. So ये minus minus cancel हो जाएगा और L L भी cancel हो जाएगा, तो B का value क्या मिलेगा हम लोगों को, B is equal to mu naught. So it's only depends upon the इकहने उधर का minus sign है, minus B ना, b into l হবে তো এই যে b dl করে বার করেছি ওই ভ্যালু গুলো তো শুধু পুট করেছি আর কিছু না, এই যে b dot dl এটার ভ্যালুটা এখানে পুট করেছি, এটার ভ্যালুটা এখানে, এটার ভ্যালুটা এখানে আর এটার ভ্যালুটা এখানে, বুঝা গেছে আর কিছু না, কিছু ভি নেই। দেখো ইনওয়ার্ড কারেন্ট ইজ নেগেটিভ, আউটওয়ার্ড কারেন্ট ইজ পজিটিভ, দ্যাটস ইট, আর কিছু না। तो B equal to mu naught Ni is the magnetic field near the center. अगर हम लोग यही चीज near the center नहीं लेके near the end से लेते हैं, near the center नहीं लेके near the कहाँ लेते हैं, end से लेते हैं, तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, ये जो पूरा length था जिसमें current था यहाँ पर, ये पूरा length में current नहीं रहेगा, half length में current रहेगा, लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन वाला लेंथ है वहां पर पूरा एल ही है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये एल के जगह में एल बाई टू आ जाएगा, एंड फॉर द एंड्स ऑफ द सॉलिनॉइड बी इंटू एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन एल बाई टू इंटू आई हो जाएगा। That will give you B equal to mu naught Ni by B equal to mu naught Ni by 2. So, N's mein mu naught Ni by 2. Ab bana lo this.